गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। आर चैप्टर इज गोइंग ऑन स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम। और हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं टाइमलाइन, जो हमने फोर इवेंट्स स्टडी किए थे 1800 से 1916 तक। बट हमने उसमें अभी तक स्टडी किया था 1800 ऑनवर्ड्स, और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1858 में कैसे कंपनी का जो रूल है उसका एंड हुआ, और 1858 में कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। और आज हम स्टडी करेंगे 1905 में कैसे पार्टीशन हुआ बंगाल का। द ब्रिटिश अनाउंस द डिवीज़न ऑफ बंगाल इंटू टू पार्ट्स। जो ब्रिटिश थे उन्होंने, जो ब्रिटिश राज था उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो बंगाल है उसका डिवीज़न होगा टू पार्ट्स में। कॉजेज, कारण क्या थे? द फॉलोइंग वर द कॉजेज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या कॉजेज थे? द ब्रिटिश डिक्लेयर दैट द बंगाल प्रोविंस, जो बंगाल ये जो राज्य है वो टू लार्ज, बहुत बड़ा था, टू बी अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत बड़ा राज्य है। एंड सेकेंड कॉजेज था, द एक्चुअल पर्पज़ वॉज अ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। एक्चुअली उनका पर्पज़ मेन यही था कि वो डिवाइड और रूल का काम करना चाहते थे, कि ऐसे ही हर चीज़ को डिवाइड करते जाएंगे और उस पर रूल करते जाएंगे। विच सोट टू वीकन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन बंगाल। इस तरह से वो बंगाल को डिवाइड करके वहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम लोगों में ये यूनिटी है ना, उसको कमज़ोर कर देंगे, उसको वीक कर देंगे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? मैनी इंडियन लीडर्स स्ट्रॉन्गली अपोज्ड होते हैं अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। वो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे इंडिया के। दे फेल्ट, उन्होंने फील किया कि द नीड ऑफ प्रोटेस्ट, कि हमें जो हमने प्रोटेस्ट किया था पहले, आपको मैंने बताया ही था कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने सीरियसली नहीं लिया उनके प्रोटेस्ट को। प्रोटेस्ट होते हैं किसी के अगेंस्ट, ठीक है, तो हमें यह कहते हैं अब जो प्रोटेस्ट करना है उनके अगेंस्ट थोड़ा और एफिशेंटली करना होगा, और थोड़ा और एफर्ट डालने होंगे। एंड देयर फोर केम अप विद एन आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बायोकॉट मूवमेंट्स। तो बंगाल के पार्टीशन के टाइम ही इनके अंदर जो माइंड में एक आंदोलन चलाया, उन्होंने आइडिया आया, कौन सा आंदोलन था वो? स्वदेशी एंड बायोकॉट मूवमेंट। अब वो क्या था? 1905 से लेके 8 तक, 3 ईयर्स तक ये कॉन्टिन्यू रहा मूवमेंट स्वदेशी। अब ये क्या मूवमेंट था? दिस मूवमेंट्स इंकरेज द यूज़ ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियंस। मीन्स जो चीज़ें स्वदेशी या जो मूवमेंट है, इसका मीनिंग है कि जो इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं, उनका ही यूज़ करना हमें। बायोकॉट का मीनिंग है कि द फॉलोइंग वर थ्री एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट। ये कुछ थ्री एस्पेक्ट थे मूवमेंट के, हमें किनका बायोकॉट करना है? नेशनल लीडर्स अपील्ड, नेशनल लीडर्स ने अपील किया इंडियंस को टू बायकॉट एंड स्टॉप, बॉयकॉट करना है कि यूज़ नहीं करना, स्टॉप यूजिंग मेड गुड्स मेड इन इंग्लैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। कि जो यूरोप में और इंग्लैंड में जो भी थिंग्स बन रही हैं, स्पेशली जो ब्रिटिश रूल के अंडर, तो जो ब्रिटिश पीपल यूज़ जो थिंग्स बना रहे हैं, हमें उनको यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी इंडियंस जो चीज़ें बना रहे हैं उसको यूज़ करना है। दे इनकरेज पीपल, उन्होंने पीपल को इनकरेज किया टू गिव अप, कि वो छोड़ दें ब्रिटिश जॉब्स, जो भी ब्रिटिश जॉब कर रहे हैं, टाइटल्स उनको मिले हैं, वो सब छोड़ दें, एंड नो टू ब्रिटिश स्कूल्स, नो टू गो ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस, किसी ने भी ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस को ज्वाइन नहीं करना। एंड थर्ड क्या था हमारा एस्पेक्ट? ब्रिटिश गुड्स वर पब्लिकली बर्न्ड, जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको पब्लिक में ही जला दिया गया, जलाना शुरू कर दिया। एंड वंदे मातरम बिकेम द सॉन्ग टू यूनाइट पीपल द अगेंस्ट द पार्टीशन, लोगों को इकट्ठा करने के लिए पार्टीशन के अगेंस्ट वंदे मातरम उस टाइम बहुत फेमस सॉन्ग रहा। रिजल्ट क्या रहा? मैनी टेक्सटाइल मिल्स के जो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलाया, उसके बाद क्या रिजल्ट रहा कि बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स, कपड़े की जो मिल्स होती हैं, हैंडलूम्स यूनिट्स एंड मैच बॉक्स, माचिस की जो बॉक्स फैक्ट्रीज वर ओपन, माचिस की बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्रीज वर ओपन इन बंगाल। मीन्स इंडियन फैक्ट्रीज अब बनने लगी बंगाल में टू प्रोड्यूस गुड्स टू मीट द नीड्स ऑफ इंडियन पीपल। तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब कुछ इंडियन फैक्ट्रीज का भी स्टार्ट हुआ। देन 1905 में क्या हुआ? बिगनिंग ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशंस बाय इंडियन आफ्टर द ब्रिटिश एफर्ट टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जो ब्रिटिश लोगों ने एफर्ट किया था कि वो बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे, मैनी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स आगे आए, उन्होंने इसके अगेंस्ट मीन्स रेवोल्यूशनरी क्रांति की, वर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए लोगों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन हो। मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स टुक अप आर्म्स टू फाइट अगेंस्ट, उन्होंने उसके अगेंस्ट
फाइट की द ब्रिटिश के अगेंस्ट एंड मैनी विलिंगली सेक्रीफाइज देयर लाइव्स टू गेन इंडिपेंडेंस. और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान तक सेक्रीफाइस कर दिया, मीन्स अपने आप को नछावर कर दिया कि वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देंगे स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए. इम्पोर्टेंट जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कौन कौन से थे, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, प्रफुल्ला चक्की एंड जतेंद्र नाथ मुखर्जी. ठीक है, दीज वर सम रेवोल्यूशनरी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट है 1911 में एनलमेंट. एनलमेंट होता है कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब जब बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आगे आए तो रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ मास प्रोटेस्ट, लोगों ने जब इतना प्रोटेस्ट किया इंडियंस ने, ठीक है, ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट या, ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की, मीन्स जो बंगाल का पार्टीशन होना था वो कैंसिल कर दिया गया. इन दिस ईयर द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. मीन्स पहले क्या था, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी मेन गवर्नमेंट है, वो पहले कैलकाटा में थी, उसके बाद उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया. नेक्स्ट है 1915 एंड 16, क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ होम रूल लीग्स. होम रूल लीग की फाउंडेशन हुई. इंडियन नेशनल लीडर्स सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन. एक्चुअली वर्ल्ड वार वन जब हुआ तो इंडियन लोगों ने ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट किया. क्यों किया, दे होप्ड दैट द राज, जो ब्रिटिश राज है, वुड एक्सेप्ट देयर डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, कि अगर हम इसकी हेल्प करेंगे ब्रिटिश लोगों की, कि वो हमारी बाद में हमारी हेल्प करेंगे, हम अपनी खुद की सरकार बना पाएंगे, वो हमारी डिमांड्स पूरी करेंगे. लीडर्स सच एज बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट स्टार्टेड टू होम रूल लीग्स व्हेन मैनी इंडियन रियलाइज्ड दैट द ब्रिटिश हैड नो इंटेंशन ऑफ गिविंग अप पावर ओवर इंडिया. अब जब उन्होंने होप क्या थी उनकी, कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो उनकी बाद में डिमांड पूरी कर देंगे, बट जब उनको लगा कि तो इनकी तो कोई इंटेंशन नहीं है, हमें ये कोई पावर नहीं देंगे ये तो, ठीक है, ना ही हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बना पाएंगे, इससे तो हमें फ्रीडम ही नहीं मिलेगी, तब बाल गंगाधर तिलक और जो एनी बेसेंट थी, जो कुछ लीडर्स थे, इन्होंने होम रूल लीग बनाए. ठीक है, लीग क्या होता है, एक तरह का ग्रुप कमेटी यू कैन से, लाइक, ठीक है, कुछ रूल चार्ट्स बनाए. इसके लीडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, ऑलरेडी टोल्ड यू. एम क्या था इस लीग का बनाने का, द लीग्स ट्राइड टू कन्विंस ऑल इंडियंस अबाउट द नीड फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश ऑपरेशन. ऑपरेशन होता है किसी को दबा के रखना, कि जो ब्रिटिश हमारा शोषण कर रहे हैं, इसे एक तो हमें फ्रीडम चाहिए, ये इसका फर्स्ट एम था. सेकेंड था सेल्फ रूल बाय इंडियन. सेल्फ रूल मीन्स खुद इंडिया ही, इंडियंस रूल करेंगे इस पर, ठीक है, तो हमारी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए. स्लोगन, अब स्लोगन क्या निकल के आया, तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे, रेज्ड अ स्लोगन, उन्होंने स्लोगन दिया, एक नारा लगाया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शल हैव इट, कि जो स्वराज है, स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. एंड स्टूडेंट नेक्स्ट पेज भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर द ब्रिटिश पास्ड अ रो. जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उनके एफर्ट से जो ब्रिटिश है उन्होंने एक लॉ पास किया लीगलाइजिंग विडो मैरिज. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आए थे सोसाइटी में, जिन्होंने कुछ सोसाइटी में चेंजेस किए, तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इनके एफर्ट्स की वजह से जो ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश पीपल है, उन्होंने एक लॉ पास किया कि जो विडो रीमैरिज हो सकती है, एक विधवा की दोबारा मैरिज हो सकती है. इन 1856 एज अ रिजल्ट अ वूमेन हुज हस्बैंड हैड डाइड कुड मैरी अगेन. पहले क्या था, पहले तो सती प्रथा थी, लड़की को साथ में ही जला दिया जाता था, फिर उसके बाद वो बंद हुई, तो फिर क्या हुआ कि जो विडो है उसकी दोबारा मैरिज नहीं हो सकती. फिर अब इनकी इन इस रिफॉर्मर की वजह से एक चेंजेस और आया कि अगर किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो दोबारा शादी कर सकती है, वो विडो, विच वॉज नॉट अलाउड ऑन इन दोज डे. सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर वी हैव डन नाउ, और इसमें जो मूवमेंट्स हुए, कैसे इंडियन स्ट्रगल के लिए मूवमेंट हुए और कैसे फ्रीडम मिली, दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नाउ यू कैन रीड द चैप्टर चेकलिस्ट इन अ शॉर्ट दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.